आज 17 सितंबर हम जो है तो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन मना रहे हैं। असल में हमको ये इसका इतिहास पता होना चाहिए। हैदराबाद भारत में विलीनीकरण के वक्त मिलिट्री ने जो लोगों को मारा था, जिसको पुलिस एक्शन नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था, लेकिन उसमें जो है तो मासूम नागरिकों की जान ली गई थी। में 10 लाख, आंकड़ा या फिर से कह रहा हूँ, 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सवाल ये है कि कभी इस पर चर्चा नहीं होती। उस वक्त इस पर कमीशन भी बैठा था जिसका नाम सुंदरलाल कमीशन था। सुंदरलाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी। मैं ये सारी बातें इतिहास के तौर पे बोल रहा हूँ, जो लोगों को भी मेरी बात पे शक है वो हैदराबाद के इतिहास में जाए, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के इतिहास में जाए और देखे कि 10 लाख लोगों की इसमें जान ली गई थी। मैं अब्दुल वाहिद अपने तमाम देशवासियों से बात करना चाहता हूँ। कुछ सवाल है मेरे दिल में जो पूछना चाहता हूँ, कुछ नाराज़गी है मेरे जहन में जो बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज 17 सितंबर हम जो है तो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन मना रहे हैं। असल में हमको ये इसका इतिहास पता होना चाहिए, इसकी तारीख पता होना चाहिए कि आज के दिन क्या हुआ था। 17 सितंबर 2048, ये जो निज़ाम सरकार की हुकूमत थी, भारत सरकार ने वो अपने ताबे ली थी। अब इससे हम थोड़ा पहले चले जाएंगे, 1947, 15 अगस्त 1947, जब मुल्क आज़ाद हुआ था, पूरे भारत में, भारत पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान, मैं हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता लेकिन इतिहास बता रहा हूँ, इतने दंगे फसादात हुए थे कि उसमें 5 लाख लोग शहीद हुए थे, वो चाहे हिंदू के रहो या मुसलमान के रहो। 5 लाख लोगों के जान गंवाने के बाद हम थोड़ा सा संभल रहे थे। इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। जब पाकिस्तान अलग हुआ उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था कि भारत में उस वक्त 500 राजवाड़े थे, अलग अलग 500 राजवाड़े थे। वो राजवाड़ों को ये इख्तियार दिया गया था, ये पावर दिया गया था कि जो लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते वो पाकिस्तान के साथ जाए, जो लोग भारत के साथ रहना चाहते वो भारत के साथ रहे, और जो लोग अलग रहना चाहते वो अलग रहे। उस वक्त निज़ाम सरकार, जो मराठवाड़ा भी उसी में था, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे। उनके फैसले के खिलाफ में भारत सरकार के, खुसूसन कांग्रेस की हुकूमत थी, देश के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम को धमकी दी कि आप हैदराबाद को सुपुर्दे भारत कीजिए, यानी विलीनीकरण कीजिए। निज़ाम जो है तो हैदराबाद को सुपुर्द करने के लिए तैयार थे, लेकिन कासम रज़वी ने उनको भी विरोध किया था और रज़ाकार बनाई थी कि जब भी भारत हम पे चढ़ाई करेगा हम उनका विरोध करेंगे। ठीक है, जो भी इतिहास है वो ठीक है, लेकिन बात इस बात की है कि जब भारत ने गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के इशारे पर 13 सितंबर से 17 सितंबर तक 4 दिन रजाकारों को मारने के नाम पर, भारत को विलीनीकरण के नाम पर जो कत्ले आम मचाया था, खुसूसन मुसलमानों का कत्लेआम,
मुझे अफसोस है कि 2002 के दंगों की हम बात करते हैं, पंजाब में सिख नरसंहार की हम बात करते हैं, जालियनवाला कांड की हम बात करते हैं जिसमें बहुत कम कम लोग मरे थे, बजाय इसके कि जो मौतें हैदराबाद विलीनीकरण के टाइम में हुई थी। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, हैदराबाद भारत में विलीनीकरण के वक्त मिलिट्री ने जो लोगों को मारा था, जिसको पुलिस एक्शन नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था, लेकिन उसमें जो है तो मासूम नागरिकों की जान ली गई थी, मुसलमानों पे खौफ तारी हो गया था, उनको कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करे कहाँ जाए। सितंबर का महीना था, बारिश भी बहुत थी, और ऐसे में घरों में घुस घुस कर मिलिट्री ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है। यहाँ तक कई औरतों की अजमतें इज्जत लूटी गई है, कई औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दी है, कई मासूम बच्चे जिस घर में लोग छुपे हुए होते थे उस घर में पुलिस को पता ना चले अगर मासूम बच्चा वहाँ होता, और ये डाउट होता कि ये बच्चा रो रहा है रोएगा तो उसका मुंह दबा दिया जाता था, उसका गला दबा दिया जाता था, अपने बच्चों को, बच्चों का खून, बच्चों का कत्ल घर वाले कर रहे थे ताकि बड़े लोगों की जान बच जाए। इसमें ये सारे कत्लेआम में, ये सारे खूनी खेल में 10 लाख, आंकड़ा यह फिर से कह रहा हूँ, 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सवाल ये है कि कभी इस पर चर्चा नहीं होती। उस वक्त इस पर कमीशन भी बैठा था जिसका नाम सुंदरलाल कमीशन था, सुंदरलाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी। मैं ये सारी बातें इतिहास के तौर पे बोल रहा हूँ, जो लोगों को भी मेरी बात पे शक है वो हैदराबाद के इतिहास में जाए, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के इतिहास में जाए और देखे कि 10 लाख लोगों की इसमें जान ली गई थी। रोडों पे लोगों को लाकर ऐसा लाइन से खड़े करके उनकी गर्दनें उड़ा दी गई थी, और इस पे कभी चर्चा नहीं होती, इस पे कभी बात नहीं होती। ये सारा नरसंहार सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो कांग्रेस है ना जो सेक्युलर की बात करते हैं, इनके इशारे पे हुआ था। और अफसोस इस बात की है कि आज जो है तो हम उसको खुशी का दिन मनाएं, आज हम ये जो 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 10 लाख लोगों को काटा गया था, इस आज हमें को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि हमने हमारे 10 लाख भारतीयों का कत्लेआम किया था, और आज उसको मुक्ति संग्राम नाम की हम खुशी नहीं मना सकते, और ना ही किसी भारतीय को जो भी भारत से मोहब्बत करता, हिंदू मुसलमान को छोड़िए, 10 लाख जान बहुत ज़्यादा होती है साहब, इस पर कभी चर्चा भी नहीं होती है, और उसकी हम खुशी मना रहे, सरकारी तौर पर खुशी मना रहे, प्राइवेट तौर पर खुशी मनाओ ये कहा जा रहा, ये बिल्कुल गलत है, ये उतना ही गलत है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये उतना ही गलत है जितना आप तालिबान को गलत कहते हैं, जितने तालिबान गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।